खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। और हम लोग इसमें देख रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं उनसे संबंधित वन लाइनर फैक्ट। अब जो हम आज से टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा मध्य प्रदेश की पॉलिटी, यूनिट नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक है, जब आप यूनिट नंबर 6 देखेंगे उसमें टॉपिक नंबर 7 पे आप जब जाएंगे सिलेबस में, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसपे हम लोग देखेंगे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में। तो हम यूनिट नंबर 6 का टॉपिक नंबर 7 आज करेंगे। संबंधित जो PDF सिविल सर्विसेज क्लब के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, हम आपकी सुविधा के लिए इसे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा और आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीद है कुछ अच्छा करने की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी उम्मीदों को बनाए रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? तो ये प्रतिशत रहा है 77.15%। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये बढ़ोतरी हुई है 2.10% की। अगला प्रश्न कह रहा है, किस जिले में सबसे अधिक मतदान हुआ? सबसे अधिक मतदान सिवनी जिले में हुआ है 86.29%, जबकि सबसे कम मतदान हुआ है अलीराजपुर में 61.81%। किस विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 सबसे अधिक मतदान हुआ है? तो सैलाना, जो कि रतलाम में है, यहाँ सबसे अधिक मतदान हुआ है। विधानसभा क्षेत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे हमने जिले को डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश निर्वाचन 2023 में किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है? तो ये मतदान सबसे कम हुआ है जोबट में, जो कि अलीराजपुर जिले में आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कितने चरणों में हुआ है? तो एक चरणीय मतदान था, जो कि 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। आ गए हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न कह रहा है कि 16वां संविधान सभा निर्वाचन 2023 में किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो जो सिवनी का लखना दौन जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने मतदान प्रतिशत अधिक रहा? तो ऐसे 34 निर्वाचन क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो सीटें प्राप्त हुई हैं 163, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 66 सीटें प्राप्त हुई हैं। 53वां जिला मऊगंज का गठन कितनी तहसीलों को मिलाकर किया गया है? तो 3 तहसीलों को मिलाकर किया गया है, मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना। इसमें एक और चौथी तहसील बनाए जाने का सुझाव दिया गया है, जो कि देवतलाव होगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मऊगंज जिला कब बना? तो ये बना 13 अगस्त 2023 को। कहाँ से अलग हुआ? तो ये रीवा जिले से अलग होकर मऊगंज जिला बनाया गया है 13 अगस्त 2023 को। 54th जिला पांढुर्ना का गठन कब किया गया है? तो पांढुर्ना गठन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। यहाँ पे 2 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है, एक तहसील है पांढुर्ना, दूसरी है सौंसर। यह एक मराठी जिला होगा मध्य प्रदेश का। और पांढुर्ना किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ है किससे? छिंदवाड़ा से। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 55वां जिला मैहर का गठन कितने तहसीलों को मिलाकर हुआ है? तो इन्हें 3 तहसीलों को मिलाकर हुआ है, अमरपाटन, मैहर और रामनगर। 5 अक्टूबर 2023 को संगठन किया गया। किस जिले से अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है सतना जिले से। अगला प्रश्न कह रहा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? तो इनकी नियुक्ति की गई है 8 जुलाई 2021 को। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और ये वर्तमान में 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो ये उज्जैन दक्षिण से निर्वाचित हैं और उनका नाम है मोहन यादव। श्री मोहन यादव जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये 33 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है रवि विजय कुमार मलिमथ और ये 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो ये हैं मल्हारगढ़ मंदसौर से, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा सीट से विधायक हैं।
मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि 19वें नंबर के हैं, और यह दिमनी, जो कि मुरैना का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से निर्वाचित होकर आते हैं। और इस बार के प्रोटेम स्पीकर थे गोपाल भार्गव जी। अगला प्रश्न, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं? तो ये निर्वाचित हैं गंधवानी, जो कि धार जिले में आता है, और इनका नाम है उमंग सिंघार। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 19 पर। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं? तो ये रहली सागर से निर्वाचित थे गोपाल भार्गव जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक हैं? तो इनकी संख्या है 27, और इनमें से 5 जो हैं वह मंत्री बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सांसद एल मुरुगन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किस विभाग के राज्य मंत्री हैं? तो ये मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय के विभाग के राज्य मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मंत्री कौन है? तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री हैं संपत्तिया उइके जी। श्री नारायण सिंह कुशवाहा किस विभाग के वर्तमान मंत्री हैं? तो ये सामाजिक न्याय उद्यान की खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं वर्तमान में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी हेतु किस जिले का चुनाव किया था? तो उन्होंने जबलपुर चुनाव किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भोपाल को इसे राजधानी बनाने के लिए कहा था। पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया फजल अली की अध्यक्षता में। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यावधि कितनी थी? तो इसकी कार्यावधि थी 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक। मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन से थे? तो विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल जी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 320 सीटें, और 1 नवंबर 2000 के बाद कितनी सीटें बची हैं? तो ये बची हैं 230 सीटें। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व भोपाल विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था सुल्तान मोहम्मद खान। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 288, है ना। ये कब की बात कर की जा रही है? ये की जा रही है जब 1956 की बात की जा रही है, जब वो किया गया तब 288 सीटें थी यहाँ पे पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व प्रथम आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा हेतु कुल कितनी सीटें थी? 99 सीटें मध्य भारत विधानसभा क्षेत्र हेतु दी गई थी। अब आ गए हैं प्रश्न संख्या 31 पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 148 सीटें थी वर्तमान समय में है, जिसमें से 35 सीटें एससी के लिए हैं और 47 सीटें एसटी के लिए हैं। 35 और 47, एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 47 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आरक्षित हैं? तो 3 जिलों में आरक्षित हैं, इनका नाम है मुरैना, दतिया और उज्जैन। मुरैना, दतिया और उज्जैन। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? तो 4 सीटें हैं, जिनमें भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रोटेम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे जी। काशी प्रसाद पांडे जी प्रोटेम स्पीकर थे। और संविधान, जो अपना विधानसभा है, इसके प्रोटेम स्पीकर की चर्चा की गई है आर्टिकल 181 में। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी? तो ये थी जमुना देवी जी, जो कि धार जिले संबंध रखती हैं। इनका उपनाम है बुआ जी, और यह एमपी की पहली डिप्टी सीएम रही हैं और पहली विधानसभा की महिला विपक्ष की नेता रही हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों में किसने सर्वाधिक विधानसभाओं में अध्यक्षता की है? तो ये हैं कुंजीलाल दुबे जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विष्णु विनायक सरवटे जी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो इनका नाम था विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, जबकि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी जमुना देवी 2003 से 2010 तक। नवगठित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 1957 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो प्राप्त हुई थी 232 सीटें। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवार विजयी रहीं? जिनकी संख्या थी 15। नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? इनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। मध्य प्रदेश में किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह, एक दिन के लिए।
प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद जोशी, जबकि दूसरे थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में सदन का नेता नहीं रहा। तो इनका नाम है गोविंद नारायण सिंह जी। ये जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें सदन की नेता थी विजया राजे सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 45 पर। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इनका नाम था उमा भारती। और आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री की चर्चा की गई है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डकैत फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। तो आत्मसमर्पण किया था अर्जुन सिंह जी की सरकार के समय। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। जिनका नाम था राजा नरेश चंद्र सिंह। ये राजगढ़ रियासत के जो है तो राजा थे। और ये रियासत कहाँ थी, तो ये वर्तमान के छत्तीसगढ़ में ये रियासत थी, है ना, रायगढ़। और ये 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का जन्म कहाँ हुआ। जिनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। और उनका नाम क्या था, पट्टाभि सीतारमैया। पट्टाभि सीतारमैया जो कि पहले राज्यपाल थे, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन के परामर्श द्वारा की जाती है। तो संघीय मंत्री परिषद के परामर्श के द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 153 में दिया गया है। राज्यपाल पद हेतु अर्हताएं संबंधित प्रावधान किसमें हैं। तो राज्यपाल की अर्हता पदार्हता आर्टिकल 157 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम है बलराम जाखड़। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जिनका नाम था सरला ग्रेवाल जी। किनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है, जिनका नाम था भगवान दयाल शर्मा। भगवान दयाल शर्मा जी ने 3 कार्यकाल राज्यपाल के रूप में पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश में किस सबसे लंबे अवधि तक राज्यपाल कौन रहे, जिनका नाम है हरि विनायक पाटसकर। 3 कार्यकाल की बात करेंगे तो भगवत दयाल शर्मा जी हैं, जबकि सबसे लंबी अवधि की बात करेंगे तो हरि विनायक पाटसकर जी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो इनका इनका नाम है पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित जी का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय इनके यहाँ के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा जी और सीएम थे, मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ला। तो आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल और श्याम चरण शुक्ल जी जो है तो वह क्या थे, मुख्यमंत्री थे। अब यहीं पर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 3 बार किया गया। 1977 में कौन थे राज्यपाल, सत्यनारायण सिन्हा और सीएम श्यामा चरण शुक्ल। फिर 1980 में लगाया गया, उस समय सीएम थे अपने राज्यपाल थे सीएम पुनाचा और सीएम अपने मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवाजी। फिर 1992 में लगाया गया, उसमें देखेंगे तो राज्यपाल थे महमूद अली खान और मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवाजी। तो तीनों डेट, तीनों समय के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को आपको ध्यान रखना है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 59 पर। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो की गई 1956 में जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया, तो इनका गठन किया गया 28 नवंबर 1968 को, 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने कराया था, जिनका निर्माण कराया था राजा गोकुल दास जी ने 1889 में जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर भवन के वास्तुकार कौन थे, जिनका नाम था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन ने उच्च न्यायालय भवन की वास्तुकारिता की थी अर्थात डिजाइन किया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की बात की गई, जबकि 124 में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट कौन सा है, तो एमपी हाई कोर्ट है। किस अनुच्छेद के तहत 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, आर्टिकल 231 के तहत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को पूरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला को पूरे कार्यकाल हेतु उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं, तो इनकी संख्या 53। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, जिनका नाम था सरोजनी सक्सेना जी। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 71 पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जे एस वर्मा का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1933 में सतना जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लाहोटी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो उनका नंबर था 35। 35 नंबर के CJI थे और इनका जन्म हुआ था रमेश चंद्र लाहोटी जी का गुना में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की गई? तो आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह संविधान के छठे भाग में वर्णित है और यहाँ पे जो है तो आर्टिकल 233 से 237 तक इसे बताया गया है। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय का गठन किस जिले में किया गया? तो यह किया गया ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ है? तो यह औद्योगिक न्यायालय है इंदौर जिले में। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर किस संगठन के संस्थापक मेंबर रहे हैं? तो ये भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक मेंबर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो ये 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं विदिशा सीट से। मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा और वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा और राजन शुक्ला जी। और यदि हम कुल बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के तीसरी बार लगे राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमने देखा था सुंदरलाल पटवाजी दूसरी बार और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे। हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस पट्टाभि सीतारमैया जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आप आ गए हैं प्रश्न संख्या 83 पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये क्वेश्चन सही लग रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा रिविजन करने में। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो केसी रेड्डी जो थे वह मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जिनका नाम था पीवी दीक्षित और इन्हीं के नाम पे सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने का भी नाम है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री निरंजन नाथ वांगचू का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सतना जिले में इनका जन्म हुआ था निरंजन नाथ वांगचू का। मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1980 के दौरान राज्यपाल कौन थे? तो ये थे कौन CM पुनाचा। मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? इनका नाम था महमूद अली खान और महमूद अली खान जो थे वह अशोक मेहता समिति के मेंबर भी रह चुके थे पहले। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? जिनका नाम था राम प्रकाश गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश के थे। पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बलराम जाखड़ जी की पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल होने गौरव किन्हें प्राप्त है? तो यह आनंदी बेन पटेल। अनकहा लखनऊ किसकी रचित पुस्तक है? तो यह लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई का जन्म कहाँ हुआ? जिनका जन्म खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं? जिनका नाम है कैलाश नाथ काटजू जो कि रतलाम क्षेत्र से आते थे। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पहले गृह मंत्री विधि मंत्री और रक्षा मंत्री बने थे? जिनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? जिनका नाम हमने देखा विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य किस राज्यपाल को माना जाता है? जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। और अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 97 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व का प्रावधान किया गया है? तो ये 167 में किया गया है। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को एशियाई विकास बैंक मनीला और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में भारत का गवर्नर बनाया गया? तो इनका नाम है PC सेठी प्रकाश चंद सेठी और इन्हीं के समय पे मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन भी किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एकदम अलग सा प्रश्न है। अभी तक हम केवल मुख्यमंत्री पढ़ते थे, राज्यपाल पढ़ते थे, तो अभी नए प्रश्न में मुख्य न्यायाधीश की बात की गई। तो इनका नाम था GL ओझा। GL ओझा जी भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्य न्यायाधीश थे। CM थे अर्जुन सिंह जी और राज्यपाल थे KM चांडी। इंडियाज इन्वायरमेंटल कंसर्न्स व इंडियाज सेंचुरी नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा। तो इस तरह से हमने आज के 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवाइज करने में आसानी हुई होगी और आपने इसका लाभ जरूर लिया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश की बिना जयजयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।
हैं।